एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर आपकी बुक से, जिसका नाम है लिटरेरी जर्नीज एंड इंग्लिश रीडर प्राइमर बुक बाय ब्रेन रूट सीरीज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर यूज ऑफ इज एम एन आर, यूज ऑफ इज एम एन आर। तो आपको ध्यान रखना है, हम इज़ यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ के लिए। जब हम सिंगुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम इज़ यूज़ करते हैं। एम कब यूज़ करते हैं? एम हम यूज़ करते हैं आई के साथ। बच्चों, एम कब यूज़ करते हैं? आई के साथ। तो कहीं भी लिखा हो ना आई, तो उसके साथ हमेशा एम आएगा। तो आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड बॉय, ऐसे ही बोलते हैं ना आप। आर कब यूज़ करते हैं? आर हम मैनी थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल चीज़ के लिए, एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हम आर यूज़ करते हैं। नाउ शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ बॉय, वी आर प्लेइंग। तो देखो, गर्ल के लिए किस तरीके से वन गर्ल थी, तो इसलिए इज यूज़ हुआ, आई के साथ एम यूज़ हुआ, और जब दोनों एक साथ वी आ गया, वी मतलब दो लोग हैं ना, तो वो क्या होगा? आर आ गया। ठीक है, This is a table. I am sitting on a chair. There are books on the table. This is a mango. I am eating a mango. Mangoes are sweet in taste. जो mango है वो खाने में बहुत sweet है। चलिए, अब आपको is और are लिखना है इन pictures के लिए। First is, ये देखो बहुत सारी trees है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? are आएगा। तो आप लिखेंगे are। ये क्या है? एक है, तो इसके लिए इज आएगा। ये हाउस भी एक है, तो इज आएगा। आप देख सकते हैं ये गर्ल भी अकेली है, सिंगुलर है, तो इज आएगा। ये बहुत सारे एप्पल्स हैं, तो आ यूज़ होगा। और ये दो बॉयज़ हैं, एक से ज़्यादा है मतलब, तो यहाँ पे भी आर यूज़ होगा। ठीक है, सबको बात समझ आ गई। चलिए, नाउ यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम और आर। द अर्थ डैश राउंड इन शेप, The earth is round in shape. The boys are playing football. क्योंकि एक से ज़्यादा boys की बात हो रही है। ठीक है, I dash a student. I के साथ मैंने आपको बताया था, I के साथ am use होगा। I am a student. The stars are shining in the sky. The sun is a star. जो sun है वो एक चमकता हुआ तारा है। I dash working hard, I के साथ मैंने आपको बताया था हमेशा am use होगा, तो I am working hard। सबको बात समझ आ गई होगी। चलिए, now you have to read the name of colors name and color the related objects। आपको colors name सारे पता होंगे, red, blue, green, yellow, orange, pink, black, बहुत सारे colors होते हैं ना। आपको इन pictures को इनका नाम पढ़ के उनको color करना है। तो देखो, यहाँ पे रेड है ना, तो आपको रेड कलर करना है। ग्रीन, ग्रीन कलर करना है। येलो, येलो कलर करना है सन में। ऑरेंज में आपको ऑरेंज कलर करना है। ब्रिंजल में आपको पर्पल कलर करना है। एंड रोज में आपको पिंक कलर का करना है, ये फ्लावर है एक। फिर क्लाउड्स में ब्लू करना है। एग में वाइट करना है। ये ईगल है, इसमें ब्लैक करना है। और ये जो ट्रंक है ट्रीज़ की, इसमें आपको ब्राउन करना है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से कलर करना है, नीटली कलर करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्शंस। क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, लिसन टू द म्यूजिक एंड क्लैप योर हैंड्स। राइट, तो अपने हैंड्स कैसे क्लैप करते हैं बच्चों? इस तरीके से करते हैं ना। सो ये आप क्लैप योर हैंड्स आपकी पोएम है। स्टैम्प योर फीट, स्टैम्प योर फीट, Listen to the music and stamp your feet. देखो किस तरीके से जब आप चलते हो तो आपकी feet stamp होते हैं ना, तो वो है stamp. Next is turn around, listen to the music and turn around. मतलब आपको इस तरीके से गोल घूमना है, turn around होना है। ठीक है, jump up high, listen to the music and jump up high. राइट, मतलब आपको बहुत हाई जंप करना है। राइट, वेरी गुड। सो नाउ यू हैव टू सिंग दिस विद एक्शंस। स्टैम्प फीट करने के लिए बोला तो आपको अपने फीट स्टैम्प करने हैं। हैंड्स क्लैप करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको अपने हैंड्स क्लैप करने हैं। राइट, टर्न अराउंड करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको टर्न अराउंड करना है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पोएम गा के। ठीक है,
चलिए, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.